बहुत मुश्किल हो गया है, बर्फ बहुत ज़्यादा गिर चुकी है भाई, फिर से गिर गई यार। सो ये है झरना जो ऊपर से आ रहा है, सच में मौसम खराब है। 16 मिनट और बता रहा है, अगर 16 मिनट और मैं चलूंगा तो क्या बता? गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं निकल रहा हूँ सच पास के लिए, सुबह के 6:30 हो चुके हैं। सच पास का वेदर बोला है कि थोड़ा सा आज ख़राब रहेगा, पता नहीं ऊपर जाने को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बट कोशिश पूरी रहेगी। अगर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा तो नहीं जाऊँगा मैं। सामान बांध दिया बाइक पर, अभी टॉप बॉक्स लेके जाना बाकी है, चलते हैं गाइस। सो लेट्स गो गाइस, और सच पास की सफ़र अभी स्टार्ट होता है। यहाँ से बैरागढ़ यहाँ से है 30-35 किलोमीटर। बैरागढ़ जाके थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मौसम आगे कितना ख़राब है, जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। होप फॉर द बेस्ट कि मैं जाऊँ, इतनी दूर आया हूँ तो मैं उसे कंप्लीट करना ही चाहता हूँ। सच पास जो है बहुत टफ, कल मैं वीडियो देख रहा था, सच पास का रोड बहुत ज़्यादा रफ है, आज फुल एडवेंचर होने वाला है। सो गाइज, अभी मैं हूँ सच पास से पहले जो है लास्ट फिलिंग स्टेशन है ये बट में। मैंने डलवा लिया फ्यूल, टैंक हो गया फुल, और अब चलते हैं यहाँ से। सच पास बता रहा है 50 किलोमीटर। सो लास्ट फिलिंग स्टेशन जो है वो बट में है, और उसके आगे आपको फिलिंग स्टेशन नहीं मिलेगा कोई, शायद 200 किलोमीटर तक। यहाँ इतना ठंडा नहीं है अभी, शायद ऊपर 50 किलोमीटर जब चढ़ाई चढ़ के जाओगे तो वो हाइट चेंज होने के कारण वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। सच पास पे तो अभी भी बादल ही हैं, ऊपर दिख रहा है वो सामने सच पास है जो दिख रहा है, पूरे बादल ही बादल हैं। बस भी आई है एक HRTC, कहाँ से आई है, बैरागढ़ से चली है अभी। बैरागढ़ तक बस की सर्विस है, इसका मतलब आगे बसेज भी जाती हैं, ऊपर भी जाती हैं HRTC की बसेज, पर अभी बंद हो गई बसें जाना, ऊपर बर्फ गिरने लगी है। तो बैरागढ़ 2 किलोमीटर है यहाँ से भाई साहब। चलो जी, बैरागढ़ हम पहुंचने वाले हैं। भाई साहब उठ नहीं रहे रोड से, चिपके हुए हैं रोड के साथ। सो गाइस, यहाँ बैरागढ़ में एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे एंट्री होती है, फोटो फोटो होता है आपका, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। तो नीचे चला तो पसीने आ रहे थे, अभी ठंड बढ़ रही है और फील होने लगी है। राइडिंग गियर डाल रखे हैं, थर्मल डाल रखा है, उसके बावजूद भी ठंड जो है आपको फील होने लगी है। रानीकोट 8 किलोमीटर, और रानीकोट में ही दुकानें मिलेंगी मेरे को। और पहाड़ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इन सभी पहाड़ों पे घर हैं, ऐसा नहीं है कि घर नहीं है, सब पहाड़ों पे घर हैं लोगों के। इतनी ऊंचाई पे घर बना रखे हैं जहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, 2-2 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं घर तक वो लोग। सो गाइस, अभी मैं रुका हूँ रानीकोट में, यहाँ पे चाय पीऊँगा और ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर आगे जाऊँगा। मैंने भाई से पूछा जो दुकान के, कि कोई ऊपर गया, उन्हें एक गाड़ी ऊपर गई है, कोई बाइकर्स वगैरह कोई ऊपर गए नहीं आज। चलो मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, फिर चलते हैं आगे। सो गाइस, रानीकोट में मैंने ब्रेकफास्ट किया, ये देखो सामने जो पहाड़ हैं पूरे बर्फ़ से ढक गए हैं, मौसम ख़राब ही लग रहा है, बादल पहाड़ों के ऊपर। और यहाँ से थोड़ी दूर के बाद में ये का रोड ख़त्म हो जाएगा, कच्चा रोड है ऊपर तक, और ठंड जो है बढ़ गई है, तो यहाँ से कच्चा रास्ता स्टार्ट है। ऊपर तक ऐसे ही रास्ता मिलने वाला अभी। यहाँ से अभी भी 21 किलोमीटर है सच पास। ऐसे ही चढ़ाई रहेगी ऊपर तक। तो गाइस, बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखने लगे हैं, ये देखो सामने वो
पूरे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और मैं पहाड़ों के और करीब जा रहा हूँ। सच पास मेन पहाड़ों पे ही है। अभी भी 17 किलोमीटर और बता रहा है सच पास। नेटवर्क तो नहीं पर मैप मैंने नीचे से लगा रखा था तो वो चल रहा है मैप। तो ये देखो भाई रोड, इसलिए तो ये टफेस्ट रोड है। बाइक मैंने खड़ी कर दी है। सो ये है झरना जो ऊपर से आ रहा है भाई साहब। और खड़ी अपनी बाइक, और बाइक ऑन ही है, बाइक को कर देते हैं बंद, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगी। ये जो पहाड़ियाँ हैं इससे देखो बर्फ गिरी हुई हल्की हल्की। और चलते हैं गाइस आगे के सफर पे, मजा आने लगा अभी तो। सो लेट्स गो गाइस, ऊपर तक पहुँचना है। यहाँ से अभी भी 15 किलोमीटर बता रहा, 34 मिनट का रास्ता। और ठंड बढ़ती हुई अभी फील हो रहा है कि ठंड है बाबा, ठंड है। हाथ और नाक दोनों ठंडे हो चुके हैं। बारिश की बूंदें पड़ना स्टार्ट हो गई है। और डेस्टिनेशन जो है सच पास अभी भी 13 किलोमीटर है यहाँ से। रेन गियर है मेरे पास में, टाइम 9:42 हो गया है। 60% चांसेस हैं बारिश के, तो वो 60% में शायद हो ही जाएगी कहीं आज। ओ नीचे से चल के आया हूँ मैं। हेलीपैड, ये देखो वो हेलीपैड है यहाँ पे। बर्फ गिरने लगी है, ये देख सकते हैं चोटियाँ ढक गई हैं पूरी बर्फ से। और यही एडवेंचर है। आगे जो देख सकते हैं पूरा मौसम खराब है, ये देखो सांप बन रही बाइक। यहाँ बर्फ बहुत तेजी से गिर रही है। आज मौसम खराब बताया था, सच में मौसम खराब है और मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है। ये देखो भाई यहाँ से 6.9 किलोमीटर है। यहाँ रुकते हैं 5 मिनट। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये पीर पंजाल की रेंज है। सो गाइस अभी मैं हूँ सच पास से 6 किलोमीटर पीछे, और बर्फ जो है पड़ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो आगे जाना मुनासिब नहीं है। अकेला हूँ मैं, अगर कोई और होता तो शायद मैं सोचता भी आगे जाने के बारे में। साथ में बर्फ़ गिर रही है और ये भर जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, पूरी बर्फ़ गिरती रहेगी। ये पहाड़ पूरे कोहरे से ढक गए हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। 16 मिनट और बता रहा है, अगर 16 मिनट और मैं चलूँगा तो क्या पता इधर बहुत भारी हिमपात हो जाए, देखता हूँ। ये जो सच पास है 14,482 फीट की ऊँचाई पर है। बर्फ पड़ना तेज हो गई है, गिव अप करने का मन नहीं कर रहा है, बट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बर्फ है आगे और आगे से वापस बाइक को लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो वापस चलते हैं यार, वापस जाने का मलाल तो है। गाइस अभी सच पास यहाँ से है आगे 5 किलोमीटर और, बट यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। बर्फबारी बहुत ज्यादा तेज हो रही है और आगे रोड पूरा बर्फ से ढक जाएगा, तो वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। और ये देखो आप बर्फ से ढके हुए पहाड़ पीछे, और बर्फबारी ये देखो गाइस। और मेरा ये डिसीजन कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहा है कि मैं वापस जाऊं। कुछ लोकल से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया था कि अगर बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो जाए तो रुकना मत, धीरे धीरे नीचे आते रहना। मैं वही करने वाला हूं अभी। सो चलते हैं गाइस। इसको मोड़ लेता हूं। ये बिल पावर, ये जो लोगों से सुनने के बावजूद भी मैं इतनी ऊंचाई तक आ गया,
लोग नीचे ही बोल रहे थे कि मौसम खराब है, ऊपर मत जाना। बहुत लोगों ने मेरे को बोला, कल रात को भी वो जहाँ होटल था वो भी बोल रहे थे। रास्ते में अंकल मिले, उन्होंने भी बोला कि अगर आप सच पास जाना चाहते हैं तो प्लीज मत जाना, बिकॉज ऊपर मौसम है खराब। और ये पक्षी कौन से पक्षी नहीं पता। और देखो अभी मैं इस रास्ते से आया ना, तो इस रास्ते में बर्फ नहीं थी यहाँ तक। अब ये देखो मिनट सेकंड में कितनी बर्फ गिर गई है, और थोड़ी और देर रहेगी तो एक एक फीट तक गिर जाती है बर्फ। ताजी बर्फ पे गाड़ी धीरे धीरे लेके जा सकते हैं, अगर ये जम गई तो उसके बाद ये बन जाता है ब्लैक आइस, तब आपको बहुत दिक्कत होती है, तो आप बिल्कुल चला नहीं पाते कोई भी गाड़ी, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। यहाँ पे तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, ऊपर तो होता नहीं होगा, पर बैरागढ़ के आगे नेटवर्क नहीं है एयरटेल का, पर पहाड़ों पे जियो प्लस BSNL ये दो चीजें हैं जिनका नेटवर्क कहीं कहीं मिल जाता है। फ्यूचर की राइड के लिए जब मुझे लद्दाख जैसी जगह पे जाना होगा तो मैं परचेज कर लूंगा, बस मोड पे थोड़ा सा संभलना है आपको, अपने आप को हिम्मत बंधा के रखनी है अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो। कल तक मौसम सही था, पर मौसम का जो मिजाज बिगड़ा वो आज ही बिगड़ा। मौसम और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाते जाते थोड़ा साफ होगा, सुधरेगा, बारिश बर्फ नीचे तक नहीं गिरेगी। बहुत मुश्किल हो गया है, बर्फ बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और नीचे जाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा कैसे भी करके बाइक को नीचे तक पहुँचा दूँ, बिकॉज अगर मौसम इस वीक में ख़राब रहा तो फिर बाइक फंस जाएगी, पूरा स्लिप कर रहा टायर। बस इस स्पीड से शाम तक ही पहुँच जाऊँ नीचे तो अच्छा है। बाइक फिर से गिर गई यार। जोर नहीं लगाया जा रहा भी, थकान हो रही बहुत ज़्यादा। उठानी तो है, पूरा टायर पीछे घूम रहा है, बर्फ ज़्यादा है। हो सकता है 2-3 किलोमीटर के बाद सही मिले रोड थोड़ा सा। जितना हो सके, शाम है, पूरा दिन है, 5-6 घंटे लग जाएंगे नीचे तक, पर धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा भाई। फिर से वही हो रहा है। ये कहाँ फंसी बाइक, ये गलत हो गया, इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये गलत हो गया, कोई नहीं, इसको उठाऊंगा मैं यहाँ से। गाइस
तक मैं तब से शायद 1 किलोमीटर ही चला होगा, 1 या 1.5 किलोमीटर देख सकते हैं स्पीड कितनी स्लो है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ गाड़ी छोड़ नहीं सकता कि पैदल चला जाऊँ नीचे, बिकॉज छोड़ के जाता भी है तो अगले पूरे वीक में 3-4 दिन और मौसम खराब है तो और ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाएगा, फिर मैं स्टक हो जाऊंगा इधर। मैं तो नीचे चला जाऊंगा, बाइक रह जाएगी, जब तक बाइक नहीं आती तो फिर मैं निकल नहीं पाऊंगा। बाइक को लेके लेने के लिए आना पड़ेगा, वापस वेट करना पड़ेगा जब तक रोड क्लियर नहीं होता। तो मैंने डिसाइड किया कि धीरे धीरे, बहुत स्लो, अभी टाइम 12:12 हुए दिन के, ऐसे अगर मैं स्लो चलता रहा तो मुझे विश्वास है खुद पे कि मैं कम से कम 3 घंटे में शायद नीचे पहुंच जाऊंगा। बर्फ ताजी है तो इसलिए चला पा रहे हैं, अगर ये पुरानी हो जाएगी तो हार्ड हो जाएगी, ये भी एडवांटेज है मेरे लिए। भाई साहब एक बार फिर से बचा ले, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, अपने ऊपर भरोसा है बंदे को तो कर लेगा वो, और वही भरोसा मुझे खुद के ऊपर है। पाँव की स्पोर्ट देनी पड़ रही है, ऊपर से तो नीचे आ ही गया हूँ मैं 3-4 किलोमीटर, और 5-6 किलोमीटर नीचे जाऊंगा तो शायद रोड पे बर्फ ना हो। बस बाइक का थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखना है, अगर अभी मुझे लग रहा है कि ऊपर जो हैवी स्नोफॉल था, मैंने डिसीजन लिया वापस आने का पर थोड़ा सा लेट लिया, तब बर्फ गिरने लगी थी, अगर मैं तभी तक वापस आ जाता तो शायद इस टाइम मैं नीचे होता, पर ठीक है जो भी डिसीजन था और जब भी लिया वो ही सही होता है अगर मैं नीचे ठीक से पहुंच जाऊंगा तो। यहाँ से झरना और ये पहाड़ दूर से देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ सो गाइस फाइनली नीचे आ गया, जो मेरा भरोसा था वो सच साबित हुआ, अपने पर विश्वास है बंदे को तो सब होगा उससे। चलते हैं गाइस, नीचे तक तो पहुंचना जरूरी है। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? हम तो जा रहे थे सच पास। बाइक चलाना बड़ा मुश्किल है तो भाई देखना, सेफली जाना। चलो चलो भाई जाओ, गुड लक। थैंक यू जी, गुड लक। गाइज गुड मॉर्निंग, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और रात को मैं पहुंचा 7:30 बजे के आसपास कोटी में। कोटी में बारिश तेज थी तो मैंने डिसाइड किया कि कोटी में रुक जाता हूँ, और ये देख सकते हैं एक होम स्टे में रुका हूँ। सो गाइज इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।